बच्चों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे दो त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित कोण 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 समरूपता कसौटी। तो सबसे पहले हमारी कसौटी है ये, जो हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी उनमें से ये सबसे पहले नंबर की कसौटी है, जिसको हम कहते हैं कोण 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 समरूपता कसौटी। तो ये हमारे पास परिमेय 6.3 है। इसमें कहा गया है कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी, तो इसका मतलब वो समरूप होगी हमारे पास। तो ये हमारे पास थ्योरम है, यानी कि अगर संगत कोण बराबर है उनके, एक त्रिभुज के संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है भुजाएं समान अनुपात में है या नहीं, वो समान अनुपात में ही होंगी, तो इसका मतलब वो त्रिभुजें समरूप ही होंगी। तो इसका प्रूफ देते हैं। तो हमारे पास दो त्रिभुजें दी हुई हैं, हमने कौन कौन सी ले ली, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ हमने दो त्रिभुजें ले ली। इसमें कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है और कोण सी कोण एफ के बराबर है, ये हमें दिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, भुजाएं समानुपाती है, यानी कि ए बी बटे में डीई, बी सी बटे में ईएफ और ए सी बटे में डीएफ, ये बराबर है। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब हमें रचना करते हैं इसके लिए। हमने क्या किया कि डी ई पर बिंदु पी और डी एफ पर बिंदु क्यू इस प्रकार लिया कि ए बी और डी पी बराबर है और ए सी और डी क्यू बराबर है, इसके साथ साथ पी क्यू को भी आपस में मिला दिया। तो ये हमने रचना कर दी। अब आप देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, ये जो हमारी त्रिभुज है ए बी सी और जो त्रिभुज है डी पी क्यू, डी पी क्यू, अब आप देखेंगे कि हमारे पास ए बी है जो ए बी डी पी के बराबर है और ए सी डी क्यू के बराबर है, हमने रचना की थी, और ये कोण आपस में बराबर है दे ही रखा है, कोण ए कोण डी के बराबर है। तो एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दूसरी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके कोण के बीच की, उनके बीच का कोण अगर बराबर हो तो दोनों त्रिभुजें कैसी होती हैं, सर्वांग सम। ध्यान रखेंगे कैसी होती हैं, सर्वांग सम। तो यहाँ पे दो भुजाएं बराबर दिखा दी हमने, ए बी डी पी के और ए सी डी के, उनके रचना ही की थी हमने ये दोनों, तो और कोण ए और कोण डी बराबर दे ही रखे हैं, ये हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, ये निशान किसका है, सर्वांग सम का। बात हम किसकी कर रहे हैं, समरूपता की। तो सर्वांग सम देखो 9th क्लास के बारे में भी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी पी क्यू के, सर्वांग समता का ये साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम के अनुसार ये हो जाए हमारे पास। अब देखो अगर ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होंगी तो इनके सब अंग समान होंगे, यानी कि सारे अंग समान होंगे, यानी कि सारे संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। अब इसका मतलब कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण पी के बराबर है और कोण सी कोण क्यू के बराबर है, तो ये हमने लिख दिया। कोण बी कोण पी के बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पे आप देखें कोण बी तो किसके बराबर था, कोण बी तो कोण ई के बराबर था, दे रखा था, इसका मतलब कोण बी कोण पी और कोण ई तीनों आपस में बराबर हो गए। अब अगर कोण पी और कोण ई आपस में बराबर है तो देखो कोण पी कैसे बना होगा, इससे ये वाला, और कोण ई कैसे बना होगा, ये वाला। अगर ये दोनों बराबर है तो ये बराबर कब हो सकते हैं, जब ये हमारे पास समांतर हो, तो इसका मतलब पी क्यू और ई एफ समांतर है, तो पी क्यू और ई एफ समांतर है। अब अगर पी क्यू और त्रिभुज में, त्रिभुज डी ई एफ में पी क्यू और ई एफ समांतर है तो हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि डी पी बटे में पी ई और डी क्यू बटे में क्यू एफ। लेकिन हमें देखो क्या प्रूव करना है, ए बी बटे में डी ई, नीचे डी ई है, तो हम दूसरा थ्योरम स्वरूप में जो एग्जांपल में भी हमने किया था, थ्योरम स्वरूप की आगे एक्सटेंशन थी जो, तो हम कह सकते हैं कि डी पी बटे में पूरा ई डी ई, डी पी बटे में डी ई बराबर है डी क्यू बटे में डी एफ, डी क्यू ये हमारा है डी क्यू बटे में डी एफ, थ्योरम स्वरूप हमने यहाँ पे प्रयोग कर लिया। लेकिन डी पी तो किसके बराबर था, डी पी ए बी के बराबर था और डी क्यू ए सी के बराबर था, तो यहाँ रख दिया, इसकी जगह पे ए बी रख दिया और इसकी जगह पे ए सी रख दिया हमने, तो ये ए बी बटे में डी ई हो गया और ये ए सी बटे में डी एफ, ये समीकरण एक हो गया। तो जिस तरह
तरह से हमने ये प्रूव किया है, तो इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि AB बटे में DE BC बटे में DF के इक्वल है, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि समीकरण एक और समीकरण दो को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो ये इसके बराबर है, AB बटे में DE, AB बटे में DE, ये दोनों भी बराबर हो गए, यानी कि तीनों ही आपस में बराबर है, तो यहाँ पर तीनों बराबर कर देते हैं और यही हमें सिद्ध करना था। तो समीकरण एक और समीकरण दो से हमारे पास ये जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं, यहाँ से हटा देंगे। तो ये था हमारे पास प्रूफ। थोड़ा समय बचाने के लिए हमने मैंने इसको पहले ही लिख लिया था ताकि ज़्यादा समय हम इसको एक्सप्लेन करने में लगा सकें। तो बिल्कुल ईजी है, आपको थोड़ा बड़ा लग सकता है लेकिन बहुत सिंपल सा प्रूफ है, जस्ट ये आपको कंस्ट्रक्शन करते ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये तीन कोण इन तीन कोणों के बराबर थे, हमने पी क्या इस प्रकार लिए कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये कोण पहले ही बराबर था तो ये दोनों सर्वांगसम होगी, सर्वांगसम होगी तो इनके संगत भाग सारे के सारे आपस में बराबर हो गए, तो इसका मतलब जो हमारा कोण बी है कोण पी के बराबर हो गया। लेकिन कोण बी तो कोण ई के बराबर था, इसका मतलब ये दोनों कोण भी बराबर है, तो ये कोण जहाँ पे बढ़ रहे हैं यानी कि दोनों जो पी क्या हुआ है और ई एफ है समांतर है, अगर समांतर है तो थे जरूर लगा दिया हमने, डी पी बटे में पूरा ले लिया डी ई, डी क्या बटे में डी एफ, लेकिन डी पी तो ए बी के बराबर था रचना से और डी क्या ए सी के बराबर था रचना से, इसका मतलब ए बी बटा डी ई बी सी बटे में ए बी बटे में डी ई और ए सी बटे में डी एफ, तो ये हमने दिखा दिया एक पार्ट आ गया। तो हमने दूसरा फिर इतना सारा प्रूव करने के बच रहे, हम कह सकते हैं कि जैसे हमने ये दिखाया है इसी प्रकार हम ये भी दिखा सकते हैं कि ए बी बटे में डी ई बराबर है बी सी बटे में ई एफ, तो ये भी हम दिखा सकते हैं। तो समीकरण एक और दो से ये जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं समानुपात में। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास कोण 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 समरूपता नियम या फिर कोण 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 कसौटी।